स्टूडेंट टुडे वी स्टडी अबाउट कर्वेचर. सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट एंगल ऑफ कंटिंजेंस. व्हाट इज द एंगल ऑफ कंटिंजेंस? आज हम लोग कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ कंटिंजेंस के बारे में पढ़ेंगे. लेट पी क्यू बी एन आर्क ऑफ ए कर्व. हमने सपोज किया यहाँ पर पी क्यू आपका कोई एक आर्क है किसी कर्व पर. PQ कोई आर्क. Let PQ be an arc of a curve which is bending continuously in one direction. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कर्व दिया गया है. इस कर्व पर एक आर्क सपोज किया गया है PQ. दिस इज PQ बी एन आर्क ऑन दिस कर्व. और ये कर्व जो है वो वन डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली बेंड कर रहा है. नाउ लेट सपोज दैट दिस ओ बी द ओरिजिन. लेट ओ बी द ओरिजिन. ओ एक्स एंड ओ वाई आर द एक्स एंड वाई एक्स. Let O be the origin, O X and O Y are the X axis and Y axis respectively. यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि एक कर्व है. कर्व के ऊपर P की कोई आर्क है. O is the origin. O x is the x axis and O y is the y axis respectively. Draw tangents PT and QT dash of curve at P and Q which intersects at R point. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं P point पर एक tangent ड्रॉ की है. ये tangent PT है और Q point पर एक tangent ड्रॉ की है जो कि QT dash है. Both tangents intersect each other at point R. आप देख सकते हैं इस given करके P point पर एक tangent PT ड्रॉ की गई है और एक टेंजेंट QT डैश ड्रॉ की गई है. ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. देन एंगल TRT डैश. देन एंगल TRT डैश इज कॉल्ड एंगल ऑफ कंटिंजेंस. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंगल टी आर टी डैश है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कंटिंजेंस ऑफ द आर्क पी क्यू. ऑफ द आर्क पी क्यू एंड द बेंडिंग ऑफ द कर्व पी क्यू एंड द बेंडिंग ऑफ द कर्व PQ and the bending of the curve PQ called the curvature of the RPQ at P depends upon the angle of contingent आप देख सकते हैं यहां पर एंगल टी आर टी डैश दिस इज एंगल ऑफ कंटिंजेंस ऑफ द आर पी क्यू. जो पी क्यू आर दिया गया है इसका जो एंगल ऑफ कंटिंजेंस होगा वो टी आर टी डैश होगा.
and the bending of the curve PQ at P depends on the angle of contingent. जो PQ कर्व है इसकी जो बेंडिंग है वो एंगल ऑफ कंटिजेंस यानी TRT' पर डिपेंड करती है. अगर आपका TRT' बहुत लार्ज है तो बेंडिंग जो होगी वो शार्प होगी. अगर TRT' स्मॉल है तो बेंडिंग नॉट शार्प होगी. तो एंगल TRT' will be large, angle TRT' will be large if bending is sharp and if the bending is sharp and angle TRT' will be large if bending is sharp and will be small if bending is not sharp. आप देख सकते हैं यहां पर TRT' एंगल यानी एंगल ऑफ जो कंटिजेंस है वो अगर बहुत बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो बेंडिंग काफी शार्प होगी यानी कर्व काफी घुमा हुआ होगा. एंड इट विल बी स्मॉल इफ बेंडिंग इज नॉट शार्प. और जो एंगल ऑफ कंटिजेंस है अगर ये स्मॉल है तो आपका जो कर्व है वो घुमा हुआ नहीं होगा यानी इसका कर्वेचर बहुत ही कम होगा. तो आप देख सकते हैं, फिर से समझते हैं, यहाँ पर एक कर्व दिया गया है, कर्व पे एक आर्क PQ दिया गया है, इस PQ आर्क पर एक टेंजेंट PT ड्रॉ की गई है और Q पॉइंट पर एक टेंजेंट QT' ड्रॉ की गई है. ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को आर्क पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो एंगल TRT' दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कंटिजेंस. ये जो एंगल TRT' है ये कहलाता है एंगल ऑफ कंटिजेंस ऑफ द आर्क PQ. आर्क के लिए जो एंगल ऑफ कंटिजेंस है वो TRT' है. देन एंगल TRT' इज कॉल्ड एंगल ऑफ कंटिजेंस ऑफ द आर्क PQ एंड द बेंडिंग ऑफ द आर्क PQ एट P डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ कंटिजेंस. जो PQ कर्व की जो बेंडिंग है वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ कंटिजेंस TRT' पर. यानी एंगल TRT' will be large. अगर angle TRT' आपका large है तो bending जो होगी sharp होगी और अगर TRT' small है तो bending आपकी sharp नहीं होगी. आप जैसे कि देख सकते हैं कि अगर आप ये कर लेते हैं, suppose this curve, तो अब इस curve में P point आपने दिया है, Q point दिया, तो P point पर एक ये tangent है और ये Q point पर ये tangent, तो angle of contingency हो जाएगा. अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं, इस पे P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है, तो ये आप टेंजेंट लेंगे P पॉइंट पर, ये टेंजेंट लेंगे Q पॉइंट पर, तो यहाँ एंगल ऑफ कंटिजेंस ये होगा. तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ कंटिजेंस होगा कर्व उतना ही घुमा हुआ होगा. और अगर एंगल ऑफ कंटिजेंस आपका स्मॉल है तो कर्व की जो बेंडिंग होगी वो स्मॉल होगी. नाउ वी फाइंड रेशियो एवरेज बेंडिंग और एवरेज कर्वेचर. एवरेज बेंडिंग और एवरेज कर्वेचर. एवरेज बेंडिंग और एवरेज कर्वेचर इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ कंटिजेंस. ratio of angle of contingence of arc PQ divided by arc PQ. यानी जब आपको एवरेज बेंडिंग या एवरेज कर्वेचर फाइंड आउट करना होगा तो हम रेशियो निकालेंगे. एवरेज बेंडिंग और एवरेज कर्वेचर इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ कंटिजेंस ऑफ आर्क PQ डिवाइड बाई
arc PQ. This is called average bending curvature of the arc PQ. This is called average bending arc of average bending or average curvature of the arc PQ. आप देख सकते हैं इस कर्व के PQ जो आर्क है, इस कर्व पर जो PQ आर्क है उसकी जो एवरेज बेंडिंग या एवरेज कर्वेचर होता है वो एंगल ऑफ कंटिजेंस ऑफ आर्क PQ और आर्क PQ का रेशियो होता है। तो जब भी आपको किसी कर्व पर कोई गिवन आर्क हो और उस आर्क का एवरेज कर्वेचर या एवरेज बेंडिंग फाइंड करनी हो तो उसके लिए एंगल ऑफ कंटिजेंस को आर पी क्यू की लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज बेंडिंग या एवरेज कर्वेचर उस आर का फाइंड हो जाएगा। नाउ कर्वेचर ऑफ आर ऑफ द कर्व एट पी इज डिफाइंड एज, नाउ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पी इज डिफाइंड एज कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पी इज कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पी इज इक्वल टू लिमिट क्यू टेंड्स टू पी दिस इज एंगल ऑफ कंटिजेंस ऑफ आर पी क्यू डिवाइड बाई आर पी क्यू। आप देख सकते हैं कि अगर इस गिवन करके पी पॉइंट पर आपको कर्वेचर फाइंड करना हो तो जो एवरेज बेंडिंग या एवरेज कर्वेचर था आर पी क्यू का उसकी लिमिट लेंगे क्यू टेंड्स टू पी पर। Suppose if the arc measured from a fixed point capital, let arc measured from a fixed point A, and also let this arc AP, length of arc AP is equal to S, arc AQ is equal to S plus del S, and angle PTX is equal to psi, and angle QT dash X is equal to psi plus del psi. So this angle is psi, suppose that, and this angle is psi plus del psi. So from the geometry we can see that this angle is del psi. अब हम यहाँ पर suppose कर रहे हैं जो इस arc की जो length है वो एक fixed point A से measure करेंगे और arc AP की length S के equal है, arc AQ की length S plus del S के equal है, angle PTX this is equal to psi, angle QT dash X is equal to psi plus del psi, and this angle is from the geometry we can see angle TRT dash is del psi. आप देख सकते हैं यहाँ पर इस given curve पर एक fixed point A लिया गया है और इस fixed point A से arc की length को measure करना है। AP arc की length small s है, AQ arc की length small s plus del s है। अब आप देख सकते हैं जो एंगल PTX है वो साई के इक्वल सपोज किया गया है, एंगल QT dash X ये साई प्लस डेल साई के इक्वल सपोज किया है, तो एंगल ऑफ कंटिजेंस ज्योमेट्री से डेल साई के इक्वल। नाउ वी फाइंड हियर कर्वेचर ऑफ द कर्व एट P, सो द कर्वेचर ऑफ द
curve at P equal to limit. We know that when Q approaches P, आप देख सकते हैं जब Q point P को approach करेगा, तो जो del S length होगी, वो 0 होगी. क्योंकि AP length आपकी S है, और AQ length S plus del S है, तो जब Q point P को approach करेगा, तो del S 0 को tend करेगा. तो del S tends to 0. And angle of contingence of the arc PQ is TR T dash. Angle TR T dash divided by arc PQ. Length of arc PQ is here. This is del S. And angle TR T dash, this is del psi divided by del S. Now we taking here limit, so it will be d psi upon ds. आप देख सकते हैं given करके P point पर जो curvature है वो होगा limit del S tends to 0, क्योंकि यहाँ पर जब Q point P को approach करेगा तो del S length 0 को approach करेंगे. Angle of contingence of the arc PQ TR T dash है, जैसा कि आप figure में देख सकते हैं, upon arc PQ की length del S के इक्वल है. एंगल टी आर टी डैश डेल साई के इक्वल है अपॉन डेल एस. अब नाउ डेल साई अपॉन डेल एस की डेल एस टेंस टू जीरो पर जब लिमिट लेंगे तो ये डी साई अपॉन डी एस लिखा जाएगा. सो दिस इज द कर्वेचर ऑफ कर्व एट पी पॉइंट. नाउ वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर reciprocal of the curvature is called the radius of curvature. Now we know that reciprocal of curvature reciprocal of curvature is called the radius of curvature. Radius of curvature. आपको पता होना चाहिए कि जो कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है. एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी इज डिनोटेड बाय रो. दस इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर at P is rho, so one upon rho is equal to d psi upon ds. Here हमको पता है कि जो radius of curvature होता है वो curvature का reciprocal होता है. अगर हम radius of curvature P point पर rho suppose करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन रो वो P पॉइंट पर कर्वेचर को डिनोट करेगा. और कर्वेचर ऑफ द कर्व एट P इज इक्वल टू है d साई अपॉन ds. सो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू d साई अपॉन ds. हियर द रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेसिप्रोकल ऑफ रो इज दैट इज 1 अपॉन रो इज कर्वेचर एट P पॉइंट. Now we find reciprocal of this, we get rho is equal to ds upon d psi. So this is the formula for finding radius of curvature of a curve at point P. We use this formula for intrinsic equation of a curve. And we know that intrinsic equation of a curve is in s and psi, where s is the arc length and psi is the angle made by the tangent with x axis. तो आप देख सकते हैं यहाँ कर्वेचर में सबसे पहले एंगल ऑफ कंटिजेंस क्या होता है ये आपको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए हमने एक कर्व सपोज किया है और इस कर्व पर एक PQ आर्क लिया गया है. इस PQ आर्क पर एक टेंजेंट P पॉइंट पर ड्रॉ की गई है PT, जो कि x एक्सिस से साई एंगल फॉर्म कर रही है.
और Q पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा की गई है QT डैश, जो X एक्सिस से साई प्लस डेल साई एंगल फॉर्म कर रही है। बोथ दीज टेंजेंट्स PT एंड QT डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट R पॉइंट। आप देख सकते हैं यहां पर जो टेंजेंट PT और QT डैश है ये एक दूसरे को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ज्योमेट्री से एंगल TRT डैश डेल साई के इक्वल होगा। An angle TRT dash is called angle of contingence. यहाँ पर angle TRT dash को ही हम angle of contingence of the RPQ कहते हैं। And the bending of the curve at P depends upon the angle of contingence. जो bending है RPQ की वो angle of contingence पर depend करती है। अगर एंगल ऑफ कंटिंजेंस आपका बहुत लार्ज है तो बेंडिंग बहुत ही शार्प होगी, और अगर एंगल ऑफ कंटिंजेंस स्मॉल है तो बेंडिंग शार्प नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर एंगल ऑफ कंटिंजेंस आपका बहुत बड़ा है तो कर्व बहुत घुमा हुआ होगा, यानी कर्व बहुत ही घुमावदार होगा, और अगर एंगल ऑफ कंटिंजेंस बहुत स्मॉल होता जाएगा तो कर्व जो है बहुत कम बेंड होगा। अब बात आती है एवरेज बेंडिंग और एवरेज कर्वेचर। एवरेज बेंडिंग या एवरेज कर्वेचर ये रेशियो होता है एंगल ऑफ कंटिंजेंस ऑफ द आर पी क्यू, और आर पी क्यू का जो रेशियो होता है उसको एवरेज बेंडिंग या एवरेज कर्वेचर ऑफ द आर पी क्यू कहते हैं। यहां पर एंगल ऑफ कंटिंजेंस टी आर टी डैश है, तो एंगल ऑफ कंटिंजेंस TRT dash of the RPQ का जब RPQ से रेशियो लेते हैं तो वो कहलाता है एवरेज बेंडिंग और एवरेज कर्वेचर ऑफ द आर्क PQ। अगर आपको एवरेज कर्वेचर एट P पॉइंट निकालना है, अगर कर्वेचर किसी भी कर्व का कर्वेचर P पॉइंट पर निकालना है तो उसके लिए एवरेज कर्वेचर या एवरेज बेंडिंग की जो लिमिट है वो Q टेंड्स टू P पर ली जाएगी। यानी Q पॉइंट जब P को अप्रोच करेगा तो एंगल ऑफ कंटिंजेंस ऑफ RPQ और RPQ का जो रेशियो है उसकी जो लिमिट होगी वो कर्वेचर ऑफ द कर्व एट P होगी। अब इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं इस कर्व पर एक कोई पॉइंट कैपिटल A है और R की लेंथ इस फिक्स्ड पॉइंट कैपिटल A से मेजर करेंगे। यहां पर सपोज करते हैं कि APR की लेंथ S के इक्वल है और PQR की लेंथ S डेडेस के इक्वल है, तो आर एक्यू की लेंथ एस प्लस डेडेस के इक्वल होगी। अब कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पी निकालने के लिए जब क्यू पॉइंट पी को अप्रोच करेगा, तो डेडेस जो होगा वो जीरो पे अप्रोच करेगा, यानी आर्क लेंथ पीक्यू जो होगी वो जीरो पे अप्रोच करेगी। और एंगल ऑफ कंटिंजेंस ऑफ द आर्क पीक्यू यहां पर टी आर टी डैश है अपॉन आर पीक्यू की लेंथ डेडेस। अब एंगल टी आर टी डैश डेल साई के इक्वल है और डेल साई अपॉन डेल एस की जब हम लिमिट लेंगे डेल एस टेंड्स टू जीरो पर तो वो डी साई अपॉन डी एस में कन्वर्ट होगी। अब आप देख सकते हैं जब हम कर्वेचर का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोट किया जाता है रो से। Rho is the radius of curvature and reciprocal of radius of curvature, that is reciprocal of rho, that is 1 upon rho is called the curvature at P point. So 1 upon rho is equal to di psi upon ds because curvature of the curve at P is denoted by d psi upon ds. Now we find reciprocal of this 1 upon rho, this is rho, and d psi upon ds reciprocal is ds upon d psi. So this is the formula for finding radius of curvature of intrinsic curve. And we know that intrinsic curve are always in S and psi. Thank you.